नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सलमान खान के हिट एंड रन मामले की। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, जिस तरह सलमान को हाईकोर्ट में जमानत मिली, क्या इसी तरह आम आदमी को भी जमानत मिल सकती थी? देखिए जारा जी, बहुत गंभीर ये मसला है और इसको लेकर चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। मुझे लगता है कि सड़कों पर होने वाले एक्सीडेंट और होने वाली मौतों की संख्या हिंदुस्तान में इतनी ज्यादा है और आए दिन इस तरह की इतनी ज्यादा घटनाएं होती हैं, लेकिन एक घटना जिसमें कि एक फिल्म अभिनेता शामिल है, मशहूर शख्सियत है, इस वजह से वो इतनी ज्यादा चर्चा में आ गया। मुझे लगता है कि ये हमारे देश में एक अजीब तरह की व्यवस्था है कि जहां पर किसी भी घटना में यदि कोई मशहूर शख्सियत आ जाती है तो उस घटना का पूरा एंगल बदल जाता है, जबकि बाहर के देशों में हम देखें कि कानून सबके लिए बराबर है, न्याय व्यवस्था सबके लिए बराबर है और यदि उसमें कोई भी शामिल हो उसको उसी तरीके से देखा जाता है और उसी तरीके से सजा मिलती है। कुछ आकर्षण उसमें हो सकता है, लेकिन इसमें दो तीन बातें हैं। एक तो ये है कि जब ये सारा मामला सामने आया था तब भी मीडिया ने इसको खूब उछाला था, खूब खबरें दी थी और जिस दिन मुझे ध्यान है अच्छे से कि ये खबर ब्रेक हुई थी, उस दिन पहले तो आया था कि 10 लोगों को कुचल दिया गया है, फिर आया था कि 15 को, फिर आया था 2 को, फिर 4 को, ऐसा करते करते आखिर में पता लगा था कि एक व्यक्ति की इसमें मौत हो गई है और बाकी 5 लोग जो हैं वो घायल हो गए हैं। अब हम लोग तो नहीं जानते घटना क्या थी, लेकिन जो पुलिस की FIR में मामला दर्ज है, कोर्ट में इतने साल 13 साल तक ये मामला चला है और ये मामला दरअसल एक बार सुप्रीम कोर्ट तक जाके लौट आया है और वहां से वापस सेशन कोर्ट में आया और फिर सेशन कोर्ट में तय हुआ है। दरअसल ये जब मामला तय हुआ था तो जो दो तरह के अपराध हैं 304(1) और 304(2) का, तो 304(1) में ये है कि लापरवाही से वाहन चलाया है और दुर्घटना हो गई और एक सामान्य दुर्घटना है और उसमें किसी की जान चली गई, और दूसरा है कि आपने जो लापरवाही की है उसमें आपने ऐसे आपराधिक कृत्य जैसे शराब पी रखी हो, लाइसेंस नहीं हो, बहुत ही असावधानी से आप गाड़ी चला रहे हो, क्योंकि एक दुर्घटना है जो हो गई क्योंकि परिस्थितियां ऐसी थी और एक दुर्घटना ऐसी है जिसको आप टाल सकते थे, क्योंकि अगर आप शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाते तो ये दुर्घटना टल सकती थी। यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए तो होना ही चाहिए। यदि आप फुटपाथ पर जाकर 3 सीढ़ियां ऊपर तक चढ़कर किसी व्यक्ति को कुचल रहे हैं, मतलब निश्चित तौर पर आपकी गाड़ी की रफ्तार भी बहुत तेज थी, आप कुछ ज्यादा ही लापरवाही से गाड़ी चला रहे थे, तो एक है कि आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं और अचानक परिस्थितियां ऐसी हुई, कुछ गाड़ियां आसपास आई, टकराई, जिस वजह से दुर्घटना हो गई, तो उस तरीके से तो पहले इसको एक सामान्य दुर्घटना के रूप में केस को दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में को ये माना गया था कि ये लापरवाही से वाहन चलाया गया है और उसकी वजह से मौत हुई और अक्षम्य आपराधिक लापरवाही है और इस वजह से इसमें सजा का दायरा भी बढ़ता है और केस भी अलग दर्ज। तो मुझे ये लगता है कि दो बातें हैं, एक तो ये है कि चूंकि मीडिया ने बहुत ज्यादा हाइप किया ये भी गलत है, लेकिन एक बात ये भी है कि अगर मीडिया ने इसके सारे मामले पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया होता, मीडिया ने इस खबर को इस तरीके से नहीं, तो हो भी सकता है कि कुछ इस तरह की और समझौते हो जाते पुलिस के स्तर पर या चश्मदीदों के स्तर पर या गवाहों के स्तर पर कि ये मामला इतनी आगे तक ही ना जा पाता। इसके दोनों पहलू हैं, पर जिस तरीके से अभी 2 तारीखों पर जब पहली बार उनकी सजा सुनाई जानी थी या आरोप तय होने थे, उस दिन जिस तरीके से मीडिया ने एक मीडिया की अदालत अलग से लगाई, मीडिया के सारे कैमरे वहीं लगे थे, मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा किसी खबर को तवज्जो देना है। जिस दिन आपके देश की संसद चल रही हो, वहां GST जैसा अहम बिल पारित किया जा रहा हो, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी के बीच अहम सैद्धांतिक मसलों पर बहस चल रही हो और आप सारे देश के कैमरे केवल एक व्यक्ति की सजा पर लगा दें, तो मुझे लगता है कि ऐसे में फिर किसी भी व्यक्ति को ये लगेगा कि वो कुछ भी नहीं है, उसकी कोई इस देश में हैसियत नहीं है और जो कुछ है वो इस देश में जो सेलिब्रिटी है, जो बड़ी शख्सियत है, वो ही है। दूसरी बड़ी बात पूरी इस जो घटना में हुई है कि अगर 13 साल तक ये मामला चला है और उसके बाद निचली अदालत में ये फैसला आ पाया है और उस फैसले को अचानक हाईकोर्ट में उसी दिन चुनौती दी जा सकती है और 13 मिनट के भीतर 13 साल चले फैसले को लेकर अचानक स्थगन आ सकता है और उसके बाद अगली सुनवाई पर तुरंत वो सजा जो है स्थगित होकर जमानत मंजूर भी हो सकती है, तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर लोगों को आश्चर्य होगा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो केवल कोर्ट में तारीख आने के इंतजार में जेलों में बंद हैं और अगर ऐसे में किसी एक व्यक्ति को बहुत तेजी से मुकदमा चलाकर फैसला किया जाता है तो लोगों के मन में ये आना स्वाभाविक है कि जो न्याय की देवी जिसको हमने इस रूप में प्रचारित किया है कि उसकी आंख पर काली पट्टी बंधी है, उसके हाथ में जो तराजू है वो सबको बराबर तौलता है और उसके लिए किसी छोटे बड़े अमीर गरीब गोरे काले का भेद नहीं है, क्योंकि वो तो अंधी है, उसकी आंख पर पट्टी बंधी है और जब वो न्याय करती है तो वो निर्मम है, वो ये नहीं देखती कि ये किसके लिए न्याय हो रहा है, किसके पक्ष में या किसके खिलाफ जा रहा है, बस न्याय हो रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि कभी कभी शायद ये न्याय की देवी अपनी पट्टी उठाकर देख लेती है कि न्याय किसके लिए हो रहा है। जी, ऐसा भी कहा जा रहा है कि निचली कोर्ट में सरकारी पक्ष जो है बहुत ही कमजोरी से रखा गया है।
मुझे ये नहीं समझ में आता कि अगर जो बचाव पक्ष है उसने इतनी तैयारी कर ली थी कि एक देश के सबसे प्रतिष्ठित वकील को, जो सॉलिसिटर जनरल भी रहे हैं, उनको हाईकोर्ट में तैयार रखा था कि अगर यहाँ पर सजा होती है तो वहाँ से जमानत हो जाए, तो ऐसे में अभियोजन पक्ष जो है, सरकारी वकील जो हैं, उनको क्यों नहीं इतना सोचना चाहिए था कि वो ऊंची अदालत में चले जाएं और कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि इसके खिलाफ जमानत ना हो पाए और तुरंत उनको जेल जाना पड़े, ताकि जो सजा मिली है इतनी मेहनत के बाद, इतने लंबे केस के बाद, वो सजा बरकरार रह सके, इसकी व्यवस्था अगर बचाव पक्ष कर सकता है तो अभियोजन पक्ष भी कर सकता है। एक बड़ी बात यह है कि सलमान खान के समर्थन में गायक अभिजीत और कुछ अन्य लोगों ने बहुत ही घटिया बातें की हैं। जी, जिस दिन इस तरह की बातें सामने आई थी उस दिन तो विचार ये था कि इस तरह की घटनाओं पर कोई टिप्पणी, कोई संपादकीय आलेख, कोई कमेंट ना किया जाए, क्योंकि उनका स्तर ऐसा है कि मुझे लगता है इसके बारे में बात करना भी ठीक प्रतीत नहीं होता। लेकिन जिस तरीके से उन घटनाओं को तवज्जो मिली, मीडिया को भी एक ऐसी बात मिली, और निश्चित तौर पर जो बयान सामने आए थे वो इतने निम्न स्तर के थे कि अफसोस होता है कि ऐसे लोग जिन्होंने अपने अच्छे गायन के वजह से, अपनी आवाज़ के बल पर अपने इतने सारे प्रशंसक जुटाए हैं, उनके विचार ऐसे निचले स्तर के हो सकते हैं। कोई कह रहा है कि ये सरकार की गलती है क्योंकि सरकार गरीबों के लिए मकान नहीं बनाती और वो फुटपाथ पे सोते हैं इसलिए मारे जाते हैं। कोई कह रहा है कि आप फुटपाथ पर कुत्ते सोते हैं और आप सोओगे तो कुत्ते की मौत मारे जाओगे। मुझे लगता है कि ये एक तरह से पागलपन और दीवानगी है। अगर आप सलमान खान को पसंद करते हैं, उनके चाहने वाले भी हैं, तो भी उन्होंने जो गलत काम किया है उसकी वजह से उनको सजा मिलेगी, इसके न्याय की तरफ भी आपको खड़े रहना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप इतना ज़्यादा सलमान खान के बारे में सोच रहे हैं, तो वो लोग जो बुरी तरह घायल हुए या वो एक व्यक्ति जो मारा गया, उसके परिवार का ख्याल ऐसे वक्त आपके जहन में क्यों नहीं आता? और मुझे लगता है कि अगर आपको इतना ही दर्द है कि लोग फुटपाथ पर क्यों सोते हैं, तो आप उनको अपने घरों में सुलाइए, अपने घर में जगह दीजिए। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ बात फुटपाथ की नहीं थी, दो तीन सीढ़ी ऊपर तक भी जो लोग सो रहे थे उन तक भी गाड़ी पहुंची है, उनको भी कुचला है, ये बातें भी सामने आई हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक भावनात्मक आवेग है जिसके तहत लोग कुछ भी कह जाते हैं, उनको ऐसा कहने से बचना चाहिए। दिक्कत यही है कि यहाँ पर सवाल आ जाता है कि वो कितना समझदार व्यक्ति है, कि सोच की सीमा क्या है, और यहाँ आके पता लगा कि उनकी सोच की सीमा बहुत उथली है। यदि कि सलमान की जमानत ने आसाराम की उम्मीदें भी बढ़ा दी हैं। नहीं, देखिए दोनों बहुत अलग मामले हैं। मुझे लगता है कि आसाराम जी जिस वजह से जेल में बंद हैं वो एक बहुत अलग मसला है। वो उत्पीड़न का, प्रताड़ना का, यौन उत्पीड़न का, इस तरह के मामले हैं, महिलाओं के साथ दुराचार का, ये मामले हैं, और ये अलग तरह के मामले हैं। पैसे का जो भी उसमें घालमेल हुआ वो भी मामले हैं, और ये एक एक्सीडेंट का मामला है। तो देश में कानून है, कानून में धाराएं हैं, और उन धाराओं के हिसाब से ही सजा होती है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी अपनी मर्जी से किसी तरह की सजा देता है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों मामले अलग हैं, इनको कहीं भी किसी भी स्तर पर जोड़ा नहीं जाना चाहिए। धन्यवाद जरीब जी, हम चर्चा कर रहे थे सलमान हिट एंड रन मामले की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।